السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: وآمنهم من خوف. وقال تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. तमाम तारीफ हमेशा सुबह शाम हर वक्त उस एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कायनात का अकेला खालिक है, अकेला मालिक है, अकेला राज़िक है, और वही अकेला माबूद है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। जिसको वो अमन दे वो महफूज है, और जिसको वो अमन न दे वो दुनिया और आखिरत में बर्बाद है। बड़ी अजीम उसकी शान है, वादा करता है और अपने वादे को पूरा करता है। अहले तौहीद से उसका वादा है कि वो उनको अमन व अमान दुनिया और आखिरत का अता करेगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अल अज़ीम। सलातो सलाम उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी पर, कि जिन्होंने अपनी उम्मत तक अकीदा तौहीद पहुँचाया। दुनिया और आखिरत की कामयाबी कैसे हासिल हो सकती है ये बता दिया। अल्लाह के अहकाम, अल्लाह के फरामीन पहुँचा दिए। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و سلام کے بعد ماہ سفر کی 10 تاریخ ہے 1443 ہجری مطابق 17 सितंबर 2021 मस्जिद अज़ीज़िया जद्दा में आप खुतबे का तर्जमा समाप्त करने के लिए तशरीफ रखे हुए हैं, बैठे हुए हैं। आज बड़े ही अहम मौजू पर खुतबा हुआ है, और वो है अमन एक अज़ीम नेमत। अमन
अरबी का लफ्ज जो उर्दू में भी उसी माने में इस्तेमाल होता है, उसके साथ अमन व अमान कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में इंग्लिश में पीस कहते हैं, पीस ऑफ लाइफ, पीस ऑफ माइंड, माइंड पीस, जिस उसकी जो भी शक्लें जो भी किस्में हैं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक अज़ीम नेमत है और हर नेमत अल्लाह ही ने अता की है। इंसान नेमत को हासिल करने के जो असबाब हैं उन असबाब को अपनाता है और उन असबाब का खालिक भी अल्लाह है, असबाब को आसान करने वाला भी अल्लाह है, फिर अल्लाह ताला उसको तौफीक देता है कि वो इन असबाब पर अमल करे, फिर उसको अल्लाह तबारक व तआला वो नेमत अता करता है। अल्लाह ने फरमाया وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, अल्लाह ने फरमाया فَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, जो नेमत तुम्हें मिली है वो अल्लाह की जानिब से, हर नेमत अल्लाह की तरफ से, तो अगर नेमतों का शुक्र हो, दिल एतराफ करे कि नेमतें अल्लाह ने अता की हैं, जबान अल्लाह की तारीफ करे और आदाए जिस्मानी से अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी की जाए तो नेमतें बाकी रहती हैं, बल्कि उनमें इजाफा होता है। और यही चाहिए इंसान कि नेमत चाहिए भी इंसान को और नेमत की बका भी हमारे लिए जरूरी है और नेमतों में इजाफा भी हम चाहते हैं। इन सब के लिए अल्लाह को राजी करना, अल्लाह को अल्लाह का शुक्र बजा लाना जरूरी है। अमन कितनी बड़ी नेमत है, गौर कीजिए। इंसान के पास पैसा हो, बे इंतहा दौलत हो और खाने पीने की तमाम अशिया उसके पास अवेलेबल हो, दुनिया के लजीज खाने उसके पास मयसर हो और एक अजीम रिहायश भी है उसके पास, लेकिन अमन नहीं, खौफ है, डर है, दहशत है। क्या इन नेमतों से जो जाहिर है घर दौलत खाना मुस्तफीद हो सकता है इंसान, साथ में अगर अमन ना हो? नहीं हो सकता। मिसाल आपके पास सामने बिरयानी मंदी रखी हुई है, भूख लगी हुई है, आप खाना चाहते हैं, लेकिन एक डर है, क्या कभी भी आपकी जान ले ली जा सकती है, कभी भी गोली लग सकती है, कभी भी आप पर हमला हो सकता है, इस डर के साथ उस मंदी उस बिरयानी खा सकते हैं आप? नहीं खा सकते, भूखे हैं, नेमत है अजीज। इसी तरीके से दौलत है, घर है, आप आलीशान मकान में रहते हैं, लेकिन साथ में डर है, तो क्या आपको सुकून मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए अमन एक अजीम नेमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से खुतबा शुरू हुआ, जो इससे पहले भी इस मौजू पर जो गुफ्तगू हुई है वो हदीस बताई गई है, बहुत अजीम हदीस, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन जरूरी चीजों का जिक्र किया है जो इंसान की हाजात अशद तरीन जरूरत है उसकी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन असबह मिनकुम आमिनन फी सिर्बिह, जो तुम में से सुबह उठे अपने घर में अमन के साथ, अमन है उसके पास, खौफ नहीं है, दहशत नहीं है, डर नहीं है, अमन है। एक मुआफन फी जसदी, जिस्म में आफियत है। दो सेहत है। عنده قوت يومه, तीसरी चीज उसके पास उस दिन का रिस्क मौजूद है। तीन فكانما حزت له الدنيا بحذافيرها, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुबह उठो अपने घर में, अगर ये तीन नेमतों को पाओ देखो इसका क्या मतलब है, فكانما حزت له الدنيا بحذافيرها, कि दुनिया की सारी नेमतें समेट कर इस इंसान के हवाले कर दी गई। सुभान अल्लाह,
यह है हदीस हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या फरमाया? नंबर एक, सुबह उठना, रात में इंसान सो जाता है, सुबह उठने के बाद कुछ भी हो सकता है, घर लूट सकता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, उसके बच्चे, वो हर चीज तबाह हो सकती है ना, अमन है उसके पास, ना घर लूटा है, ना इज्जतें लूटी गई है, ना बच्चे मुश्किल में है, ना खुद वो परेशानी में है, बल्कि पूरा अमन मौजूद है घर में, सुबह उठा घर में अमन है उसके पास। एक नंबर दो, जिस उसका सही बीमारी की हुई है, हाथ उठ नहीं रहा है, नजर नहीं आ रहा है आंख खोलने के बाद, या बात करना चाहता है तो अल्फाज नहीं निकल रहे हैं, गूंगा हो गया है, आवाजें नहीं आ रही है किसी चीज से, समझ रहे, मुआफा फी जसदी, उसका जिस्म आफियत में है, तमाम आदाए जिस्मानी अपना काम कर रहे हैं, दिल भी धड़क रहा है, सांसें भी चल रही हैं, आवाज भी आ रही है, नजर भी आ रहा है, अल्फाज भी निकल रहे हैं, हाथों पैरों की हरकत भी बाकी है, तीसरी जरूरी चीज, रिस्क है उसे एक दिन का, उसके पास रात तक का रिस्क मौजूद है, नाश्ते का इंतजाम है, दोपहर के खाने का इंतजाम है, शाम के खाने का इंतजाम है उसके पास, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तीन अजीम नेमतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर जिसके पास हैं तो इसका मतलब सारी दुनिया की नेमतों को समेट कर उसके हवाले कर दिया गया, ये तीन है मतलब सब कुछ है, और इन तीनों में भी हो, अच्छा ये तीनों को इंसान की जरूरत, जिंदगी की जरूरत है, हर इंसान की जिंदगी इन तीन चीजों की जरूरत है, इंसान जमीन पर रहता है, उसको पैदा किया गया है इबादत की, जिंदगी का बुनियादी मकसद इबादत है, खौफ में कैसे इबादत कर सकेगा इंसान, बताइए, अमन कितनी बड़ी चीज है, ताकि उसको जो जिंदगी का मकसद है उसको बेहतर तरीके से वो अदा कर सकता है, अगर अमन नेमत उसके पास मौजूद है, फजर भी आराम से पढ़ सकता है मस्जिद जाकर, जोहर भी, मगरिब असर भी, मगरिब ईशा भी, सुबह के अस्कार भी पढ़ सकता है, फजर में तिलावत भी कर सकता है, और अमन हो, जैसा कि बड़े शानदार अल्फाज हैं, देखिए दो और चीजें जो है ना, तीन चीजें है ना, एक अमन है, दूसरी सेहत है, तीसरी चीज रिस्क, अमन सेहत रिस्क, तीनों की हर इंसान को जरूरत है, पहली चीज तीनों में सबसे ज्यादा जरूरी है और वो है अमन, अमन हो तो फिर सेहत भी इंसान की सही रहती है, आपको पता है खौफ से दहशत से बीमारियां पैदा होती, हार्ट अटैक जो आता है इंसान, डॉक्टर्स बैठे भी मीटिंग में क्या बोलूं बहरा, आप हमसे ज्यादा समझ सकते हैं, और आप गौर कीजिए, खौफ की वजह से इंसान सेहत उसकी खराब भी हो सकती है, दिल की धड़कन रुक भी सकती है, बीपी हाई हो जाएगा उसका, उससे कई प्रॉब्लम्स जन्म लेंगे, कई बीमारियां जन्म लेंगी उससे, और अगर खौफ और दहशत ज्यादा हो, अमन ना हो, तो इंसान के जिस्म में अंदरूनी कई बीमारियां पैदा हो सकती है, वो बेहोश भी हो सकता है, वो खत्म भी हो सकता है, और रिस्क अगर हो लेकिन अमन ना हो, बता दिया हमने शुरू, आदमी को कहा जाए खाओ, उसके सर पर जो है मौत सवार है, खौफ और दहशत के आलम में बैठा हुआ है, और उसको कहा जा रहा है खाओ, ये नेमत है ना, पियो ना, ना एक घूंट पानी वो सही पी सकता है, ना एक निवाला सही वो खा सकता है, क्यों? खौफ है, इसीलिए अमन बहुत बड़ी नेमत है, इंसान को चाहिए, और इस अमन की जरूरत अफराद को भी है, मुश्तमात को भी है, इंडिविजुअल हम सबको जरूरत है इस अमन की, और इज्तमाही तौर पर हमारे मुआशरे को, हमारे शहर को, हमारे मुहाफ़ज़े को, डिस्ट्रिक्ट को, हमारे विलाया को, स्टेट को, हमारे मुल्क को अमन की जरूरत पड़ती है, पूरे बिलाद को अमन की जरूरत है, पूरे मुल्क को अमन अमान की जरूरत है, कि लोग अमन अमान की पीसफुल लाइफ गुजारें, कि उनके अकीदे अकीदों में अमन हो, अकीदे का अमन, अमन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि गोलियां नहीं चल रही हैं, हमले नहीं हो रहे हैं, अटैक नहीं हो रहा है, गाड़ियां नहीं चोरी हो रही हैं, आप पर आपको कत्ल करने की धमकियां नहीं मिल रही हैं, सिर्फ इसका मतलब अमन नहीं है, अमन एक वसी मफहूम है उसका, एक होता है अकीदे और ईमान का अमन, कि शिर्क और कुफ्र से आपका अकीदा सेव है, तो वो अकीदे का अमन है भाई,
क्या हमने नहीं पढ़ा, क्या हम नहीं जानते हैं कि अल्लाह ने शिर्क को जुल्म कहा है और जुल्म अज़ीम कहा है, और शिर्क के अपोजिट क्या है? तौहीद है। तो तौहीद अमन है और शिर्क जुल्म है। अकीदा अमन है, शिर्क जो है जुल्म है। तो ईमान और अमन का अमन, ये भी अकीदे का अमन जिसको आप कहें, ईमान महफूज है, अमन में है ईमान, लुट गया नहीं ईमान, खत्म नहीं हो गया, ये ईमान में खराबियां नहीं पैदा हुई है, अकीदा बिगड़ा हुआ नहीं है, उसमें शिर्क दाखिल नहीं हुआ है, तो अकीदे का अमन है साहब, ईमान का अमन है। इसी तरीके से बाकी जिंदगी में भी अमन की जरूरत है। तो अमन एक बड़ा वसी मफहूम है, उसका हर इंसान अमन का मोहताज है, मुआशरा अमन का मोहताज है, और अमन अता करने वाला अल्लाह तबारक व तआला है, इसमें कोई शक नहीं। तो इंसान इस अमन को समझे, इस नेमत को पहचाने और इसकी कदर करे। अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ा अमन है अकीदे का अमन, सबसे बड़ा अकीदा ही अगर मामून ना हो, महफूज ना हो, उसमें शिर्क दाखिल हो जाए तो फिर बर्बादी होती है इंसान। फिर वो जो जाहिरी अमन मुआशरे का, जमीन का अमन जो चाहता है ना, वो अगर अकीदे का अमन ना हो तो जमीन का अमन नहीं मिल सकता। अकीदा बिगड़ जाए तो जमीन में फिर जुल्म ज्यादती होने लगी, अमन खत्म हो जाएगा। फिर इसकी दलील कुरान की आयत है, जरा गौर से सुनिए तर्जमे के साथ। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइक लहुमुल अमन वहुम मुहतदून। जो लोग ईमान लेकर आए, अपने ईमान को जुल्म यानी शिर्क से बचाया, कितने काम, दो काम किए। पहला काम, अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, क्या काम, ईमान लाना। नंबर दो, ईमान का अमन हो, अपना ईमान महफूज हो, किससे, शिर्क से। वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, अपने ईमान को जुल्म से बचाया यानी शिर्क से बचाया। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, शिर्क बड़ा ज़ुल्म। अब ये दो काम इंसान ने कर लिए तो क्या होगा साहब, उलाइक लहुमुल अमन, तुम जो जमीन का अमन चाहते हो, माशरे का अमन, जिंदगी का अमन, वो तुम्हें मिल जाए, क्योंकि तुमने अकीदे का अमन पा लिया, अपने अकीदे को महफूज कर लिया। अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, जो ईमान लेकर आए, अपने ईमान को ज़ुल्म शिर्क से बचाया, उन्हीं के लिए अमन है। देखिए अल्लाह कह रहा है, अमन का मालिक, अमन का राज़िक, अमन का खालिक अल्लाह ताला फरमाता है, उलाइका लहुमुल अमन, उन्हीं के लिए अमन है, वहुम मुहतदून, और वो लोग हिदायत याफ्ता है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि इंसान हर किस्म के इस अमन की तलाश में रहे, इसके वसाइल और असबाब का पता करे, और उन वसाइल और असबाब को अपना कर इस अज़ीम नेमत को अपनी जिंदगी में जगा दे, तो उसकी दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाएगी। और अगर अमन है, नेमत मिली हुई है, जैसे इस मुल्क में है, इसको बिलादुल अमन कहते हैं सऊदी अरब, ये अमन वाला मुल्क है, आदमी सुबह उठता है उसको डर नहीं होता, यहां पर यहां हमले नहीं होते, कत्लो गारत गिरी दहशतगर्दी का माहौल नहीं है। अल्लाह शुक्र है कि अल्लाह ने इस मुल्क में अमन को रखा है। अल्लाह के शुक्र के बाद इस मुल्क को चलाने वालों का शुक्र हम अदा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे असबाब मुहैया किए हैं, ऐसे जैसे रिजाल अल अमन है, जैसे तमाम डिपार्टमेंट्स हैं जो इस अमन को कायम रखने के लिए, इस नेमत की बका के लिए जिद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हम उनका भी शुक्र अदा करते हैं। उस हदीफ पर अमल करते हुए, जिस हदीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता है वो अल्लाह का भी शुक्र गुजार नहीं हो सकता है। ला यश्कुरिल्लाह मन ला यश्कुरिन्नास, जो लोगों का शुक्र अदा ना करे कि लोगों ने आपके साथ एहसान किया है, लोगों ने भला किया है, तो वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता है। नेमत को अमन, इस नेमत को पाने के लिए चंद वसाइल हैं, वो आपके सामने कुरान या नुसूस की रोशनी में पेश किए जा रहे हैं, तो खुतबे का दूसरा और आखिरी हिस्सा। सबसे पहले, सबसे बड़ा वसीला, वसीला समझते हैं ना, जरिया
कि जिससे हम इस नेमत को पा सकते हैं और इसको बाकी रख सकते हैं। पहला बड़ा वसीला है शुक्र। अल्लाह ने फरमाया वही तादन रब्बुकुम लैन शकरतुम लज़ीदनक वलैन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। तुम्हारे रब का ये फैसला है, ये हुक्म है, क्या है, तुम्हारे रब ने यह ऐलान किया है कि अगर तुम शुक्र बजा लाओगे तो तुमको और ज्यादा नेमतों से नवाजूंगा और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब यकीनन बहुत सख्त है। तो मालूम हुआ इस आयत से कि अमन और अमान, पीसफुल लाइफ, पीस एक नेमत है। तो इस नेमत का अगर हम शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमें और ज्यादा नेमत से नवाजेगा और अगर हम नाशुक्री करेंगे तो ये नेमत छीन ली जाएगी। दूसरी आयत भी बड़ी प्यारी आयत है, वो भी दलील है। देखिए अल्लाह ताला क्या फरमाता है وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون। الله نے ایک مثال دی ہے بستی کی۔ کس کی مثال؟ एक इलाके की, एक एरिया, एक जगह की, एक बस्ती की मिसाल अल्लाह ने दी है। क्या है वो मिसाल? कि वो बस्ती पूरे अमन में रहती थी, बस्ती वाले अमन अमान पीस की जिंदगी में थे, हर किस्म का पीस, हर किस्म का अमन उनके पास था और बड़े इत्मीनान की जिंदगी गुजार रहे थे। दुनिया में हर जगह से उनके पास रिस्क आता था। क्या किया बस्ती वालों ने? فَكَفَرَتْ بِعَنْعَمِ اللَّهِ, اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی, شکر نہیں کیا نعمت۔ تو کیا ہوا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک آیت میں نے پڑھی, اس سے معلوم ہوا شکر سے نعمت باقی, ناشکری سے نعمت ختم۔ یہاں وہی ہوا اس بستی والوں کے ساتھ۔ نعمت تھی, شکر نہیں لائے, شکر بجا نہیں لائے, شکر نہیں ادا کی اللہ کا۔ فَكَفَرَتْ بِعَنْعَمِ اللَّهِ, اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ تو فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ, اللہ نے بھوک اور خوف ان کے کیے کی وجہ سے ان پر مبتلا کر دیا۔ بھوکے رہنے لگے, رزق بھی ختم اور امن بھی ختم, خوف اور دہشت کی زندگی گزارنے لگے۔ ہمارا اسلام یہ دین الامن ہے, یہ کافروں کو معلوم ہونا چاہیے, یہ دین دین الامن ہے, یہ امن و امان کا دین ہے۔ یہ دین اپنے ماننے والوں کو یا انسانوں کو تعلیم دیتا ہے کہ عقیدے کو محفوظ کرو, پہلے اپنے اعمال کو محفوظ کرو, اپنے آپ کو محفوظ رکھو, کسی کو ڈرانا نہیں, دہشت نہیں پھیلانا, خوف نہیں پھیلانا۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, کوئی مسلم کسی مسلمان کو نہ ڈرائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, کوئی مسلم کسی مسلمان کو نہ ڈرائے۔ مذاق سے بھی ڈراتے ہیں نا بعض لوگ, کہ بچہ جا رہا ہے پیچھے سے اس کا دوست آ کر امن نعمت, امن کو باقی۔ چلیے دوسری چیز, توحید کے تقاضے پورے کرنا۔ اور توحید کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت میں زندگی گزارے انسان, ایک اللہ کی عبادت کرے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے, اللہ کے احکام پر عمل کرے, اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچے۔ یہ توحید کے تقاضے ہیں, یہ پورا کرے گا تو امن جو ہے یہ وسیلہ ہے, یہ بھی ذریعہ ہے جس سے امن انسان کی زندگی میں باقی رہے گا۔ اس کی دلیل کہ توحید کے تقاضے پورا کرے تو امن باقی رہتا ہے اور امن مل, امن جیسی عظیم نعمت اور ملتی ہے۔ قرآن کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ کیا آیت کہتی ہے؟ سنیے آیت۔ اللہ کا وعدہ ہے
उन लोगों के लिए जो ईमान लेकर आए, एक काम वामिलु सालिहात, नेकियां करते रहे ईमान के बाद, ईमान का तकाजा पूरा किया, नेकियों में जिंदगी गुजारी। क्या वादा है? तीन बड़े बड़े वादे, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ध, जमीन की खिलाफत उनको अल्लाह अता करेगा, जमीन देगा उनको जो ईमान लेकर आए नेक अमल किए, जैसे इससे पहले के लोगों को अल्लाह ने जमीन दी थी। एक नंबर दो, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, उनका दीन जिससे अल्लाह राजी हो गया, कौन सा दीन जिससे अल्लाह राजी है? इस्लाम, उसको सरबुलंद करेगा, जमीन पर उसका बोलबाला होगा, वो कायम होगा दीन। दो, وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, उनके जिंदगियों में जो डर और खौफ है उसको हटाकर अल्लाह अमन अता करेगा। शर्त है, क्या है? यअबुदूनी ला युशरिकूना बी शैअ, मेरी इबादत करें, मेरे साथ किसी को शरीक न करें। वमन कफर बाद ذلك, और जो इसके बाद भी कुफ्र कर ले, फौलाइका हुमुल फासिकून, वो फासिक। क्या मालूम हुआ? तीन बड़ी नेमतें मिलेंगी, जमीन दो जमीन दो जमीन दो, एहतजाज करो, औरतों को रोड पर लाओ, झंडे उठाओ, ये नहीं है इस्लाम में सब भाई, एहतजाजात करो, जुलूस जल से निकालो, हमको जमीन दो, हमको जमीन दो, हमको जमीन दो। आयत सुनिए क्या फरमा रहा अल्लाह ताला, मैंने अभी आयत पढ़ी, जमीन देगा अल्लाह, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या? जमीन भी देगा, इस्लाम की सरबुलंदी भी होगी और अमन भी होगा। तीन बड़ी अल्लाह का वादा है। अच्छा, वादा किससे है? ईमान वालों से, जो नेक अमल करने वाले ईमान वाले लोग हैं उनसे अल्लाह का वादा है। क्या वादा है? जमीन की खिलाफत तुम्हें अता हो, जमीन में तुमको अल्लाह खलीफा बनाए, जमीन तुमको अता करेगा और दीन गालिब रहेगा दो, और अमन रहेगा तीन। कब? यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैअ, अल्लाह की इबादत करना उसके साथ शिर्क नहीं करना। पूरी दुनिया में देखिए जिस जमीन पर तौहीद है, यअबुदूननी है, ला युशरिकून बी शैअ है, वहां ये तीनों चीजें हैं। वहां जमीन उनके पास है, हुकूमत उनकी है, खिलाफत उनके पास है, और इस्लाम का बोलबाला है, इस्लाम का बोलबाला है, इस्लाम का गलबा है, और तीसरी चीज अमन भी है। और देखिए खत्ते में दुनिया के जहां तौहीद नहीं है, याबुदून नहीं, मेरी इबादत करे अल्लाह करे मेरे साथ शिर्क ना करे, जहां तौहीद नहीं है उसकी जगह शिर्क है, नऊज़ुबिल्लाह, जो होना चाहिए वो नहीं है, जो नहीं होना चाहिए वो है। आप वहां तीनों चीजें गायब देखें, जमीन भी नहीं है उनकी अपनी, कोई और हाकिम है उन पर, दूसरी चीज इस्लाम का बोलबाला भी नहीं है, खलबा जिसको कहते हैं वो भी नहीं है, और अमन भी नहीं है। फिर क्या है? जमीन किसी और की है, कोई और उस पर हुक्म कर रहा है, मुसलमान हाकिम नहीं है, ठीक है, और इस्लाम गलबा भी नहीं है, कुफर का गलबा है। नंबर तीन क्या है? अमन नहीं है। फिर क्या है? खौफ, दहशत है। आदमी ऑफिस के लिए निकलता है तो अजीब सा डर उसके दिल में, पता नहीं बीवी बच्चे मैं शाम तक वापस आऊंगा तो रहेंगे ये मेरे, रास्ते में भी डरा हुआ जा रहा है गाड़ी में, पता नहीं क्या हो जाए, कब कोई गोली मार दे, कब कोई अटैक ना कर दे मुझ पर, महफूस नहीं, दुकान महफूज नहीं है, मकान महफूज नहीं है, दुकान का डर लगा हुआ है, मकान का डर लगा है, अहले खाना का डर लगा हुआ है। खौफ और दहशत की जिंदगी, क्यों? कि जमीन पर जिस जगह पर वहां तौहीद नहीं है, और ये वसीला है अमन का, और तकाजे नहीं है आमन व अमिलुस सालिहात, नेकियां करने वाले, ईमान लाने वाले। इसके अलावा एक और एक तीसरा वसीला बहुत जरूरी है, और वो है हदूद नाफिस करना, कि चोरी हो तो इस्लामिक हदूद, हदूद मतलब क्या? जिना करने वाले को उसकी सजा मिले जो शरीयत ने लिया, चोरी करने वाले का हाथ काट आता है, ठीक है, कोई तोहमत लगाता है, कोई जो है जादू करता है तो उसको पकड़ के उसकी सजा, शरीयत ने जो सजाएं मुकर्रर की, कोई किसी औरत को जो है हैरेसमेंट, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, हाँ, सताता है और डराता है, पकड़ता है रस्ते में, उसकी इज्जत पर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हमला करने की कोशिश करता है,
तो उसको पकड़कर उसकी जो इस्लामिक सजा है वो देनी चाहिए, हदूद नाफिज हो। तो हदूद नाफिज होंगे तो इसकी वजह से जमीन में अमन आए, और बताने की जरूरत नहीं है कहां हदूद नाफिज होते हैं। मालूम है आज हम खुद तर्जमा करते हैं केसेस का, हफ्ते में दो दिन में खुद शिवे से जाता हूँ, मिलता हूँ कातिलों से या दोनों उससे पूछता हूँ क्या मसले, वो बताते हैं अपने मसाए। आज भी है ये चीज भाई, ऐसी बात नहीं है, नहीं 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 वो 10 साल पहले 15 साल पहले बाद ऐसे होते हैं, ऐसे बोल देना ऐसे है, उसकी कोई वो नहीं है, क्या बोलते उसको सोर्स ना हो अपनी बोल के, फिर कहाँ से बोल रहे आप, ऐसी भड़ास है 2 महीने से सैलरी नहीं मिली तो निकल गई अल्फाज में लपेट के सबको, एक हमाम में कर दिए सबको, तो निकाल दिया अपनी वो बोलते ना अपनी भड़ास थी कोई, वो डर गए, वो डर नहीं क्या बोलते लड़ाई हो गई अब कंपनी में किसी से जिम्मेदारों से मैनेजर से, तो कुछ नहीं वो है ये है वो है, बोल दिए बोल दिए बोल दिए बोल दिए सब बोल, जो है वो भी बोले जो नहीं है वो भी बोले। बहरा तो ये बहुत बड़ी चीज़ है हदूद का नाफिज होना। अब जाहिर बात है हदूद कहाँ नाफिज होना, कोई पहला वसीले को देखें जहाँ तौहीद के तक, पहले वसीला बल्कि पहले वसीला शुक्र, दूसरा वसीला तौहीद उसके तकाजे पूरा करना, तीसरा वसीला हदूद नाफिज करना। जब पहली चीज होगी शुक्र तो अल्लाह ताला नेमतें देगा, अच्छा तौहीद के तकाजे पूरे होना, तौहीद पर अमल होना, शिर्क से पूरा मुल्क महफूज रहे, तब तो उस मुल्क में इस्लामिक कानून चलेगा ना, जिस मुल्क में शिर्क ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला का अभी दूसरे वसीले में हमने आयत से उसको बड़ा समझा। चलिए इसी तरीके से चौथा एक अहम वसीला है, वो भी अम्र बिल मारूफ नहीं है, भलाई का हुक्म देना बुराइयों से रोकना, ये भी जरूरी है, इससे जो है अमन कायम होता है कि आप कोई बुराई देखो तो फौरन जो है उसको पहुंचाओ, आप नेकी का हुक्म दो लोगों बताओ कि नेकियां करो, मिसाल के तौर पर बारिश ना हो परेशानी है भाई, अब इसके लिए कि नेकी क्या है कि सलातुल इस्तिस्का पढ़ो भाई, पढ़ो भाई चलो जाओ सब जाओ मस्जिद जाओ सलातुल इस्तिस्का पढ़ो, ऑर्डर दिया जाए इस्तिस्का की नमाज पढ़ी जाए, बारिश तलबी के लिए जो नमाज पढ़ी जाती है शहर में, ये भलाई है या नहीं, मारूफ है या नहीं, मारूफ है, इसका ऑर्डर आपको मिल रहा है, आपको इसका हुक्म दिया जा रहा है, इससे भी जो है अमन बाकी रहता है। बुराइयों से रोकना, कितने समय से आपने पढ़े कि कहाँ अगर किसी आपको फसाद माली के मुताले इंग्लिश में अरबी के साथ इंग्लिश में भी ऐसे में कितने मेरे फ़ोन में रखे होंगे आपके फ़ोन में रखे होंगे मैसेजेस कि कहीं भी आप देख रहे हैं कि कोई माली गड़बड़ है, फौरन जो है इस नंबर पर कॉल कीजिए या जो है मेल भेजिए या SMS कीजिए या WhatsApp कीजिए, सारे नंबर पढ़ो, जहाँ भी कोई माली और परेशानियाँ है, कोई आपका माल नहीं दे रहा है, कोई आपको माल से सता रहा है कर रहा है, तो माली जहाँ भी मसाइल है फौरन जो है ये इन 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 इस लिंक्स पे जाइए, कॉन्टैक्ट कीजिए लोग ताकि उनको पकड़ा जाए और ये जो बुराई कर रहे हैं उस बुराई से उनको रोका जाए और उसमें जो मुलम है उनको सजाए दी जाए। 400 रियाल बैठे रिश्वत देनों पर लोगों को अंदर जो है रखा गया है और उनको पूछा गया पता क्या भाई वो 400 रियाल पुलिस वाले को देने की कोशिश किया था ताकि जो है मुझे वो छोड़ दे, इसने अंदर डाल दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, अजीब। बहरा इंसान भलाई का हुक्म दे, बुराइयों से रोके, अम्र बिल मारूफ नहीं नहीं मुनकर जिसको कहते हैं, इससे जो है अमन कायम होता है। इसकी दलील अल्लाह ताला फरमाता है अल्लदीना इमकन्नहुम फिल अर्द جب وہ لوگ جن کو ہم نے زمین میں استقرار دیا نماز کو قائم کرتے ہیں، ہم نے زمین میں امر دیا ان کو، ہاں جگہ دی، رہتے ہیں آرام سے، تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور تمام انجام اللہ کے پاس ہے، ہر خیر کا بدلہ اللہ کے پاس ہے، ہر شر کی سزا اللہ کے پاس ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ امن کو باقی رکھنے کی ایک ضروری چیز یہ بھی ہے، یا وسیلہ اہم یہ بھی ہے کہ انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دے۔ پانچویں اور آخری چیز سن کر تشریف لے لیں، اور وہ ہے فہم سلف کا عام ہونا۔ سبحان اللہ، سلف صالحین کا فہم دین کو سمجھنے میں، قرآن و حدیث کو سمجھنے میں فہم ہو،
سلف کا تھا, صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین, تابعین رحمہم اللہ کا جو فہم تھا, جس کو فہم سلف کہتے ہیں, مطلب کتاب و سنت کو, قرآن و حدیث کو پہلے لوگوں نے, سلف صالحین نے جیسے سمجھا, اگر ویسے ہم سمجھیں گے تو اس سے بھی امن ہوگا. جی خان صاحب, اس کا فہم و سلف کا تعلق امن سے کیسے ہے بھائی؟ یہ تو دین کا ایک مسئلہ ہے, ابھی امن میں دین کا مسئلہ ہے. فہم سلف کا تعلق امن سے کیسے ہے؟ سنیے, جب کتاب و سنت کو سلف صالحین کے فہم پر نہیں سمجھا جائے گا, تکفیری عقیدے آئیں گے, تکفیری منہج آئے گا, مسلمانوں کو کافر سمجھا جائے گا, پھر ان پر حملے ہوں گے, ان کے خون کو بہانا حلال سمجھا جائے گا, جو خوارج کا منہج ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے گناہوں کو دیکھ کر, جو بڑے گناہ مسلمانوں نے کیے, خوارج نے کہا کہ مسلمان یہ بڑا گناہ کر رہا ہے, یہ شراب پی رہا ہے, یہ چوری کر رہا ہے, یہ مسلمان نہیں ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ مسلمان نہیں ہے, کیا ہے پھر؟ کافر ہے. ارے بھائی یہ کلمہ پڑھتا ہے, اس نے جو ہے غلطی سے چوری کی ہے, لیکن یہ مسلمان ہے. نہیں, قرآن میں یہ کہا گیا چوروں کے لیے, حدیث میں یہ کہا گیا چوروں کے لیے, نہیں سمجھے سلف صالحین کے فہم پر, الٹا سمجھے, غلط سمجھے. آیت تو لی, سمجھا غلط, صحابہ نے ویسے نہیں سمجھا تھا رضی اللہ عنہ اجمعین, حدیث تو اٹھائی لیکن سمجھا ویسے نہیں جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے حدیث کو سمجھا تھا. اس کا نقصان کیا ہوا؟ تکفیر آیا. معلوم تکفیر مطلب؟ تکفیری عقیدہ معلوم ہے بعض لوگوں میں, کیا مسلمان کو کافر بولا, فلاں پکا کافر ہے, انہیں پکا مشرک ہے, کافر مشرک سمجھنا, پھر اس کے خون کا, میں کافر بول دیا پہلے تو ہٹا دیا اسلام سے آپ, اب جب ہٹا دیا اور سمجھے کہ اس کا خون بہانا ضروری ہے, یہ رہے گا تو اور کفر پھیلے گا, اس سے امن ختم ہو جائے گا, حملے ہوں گے مسلمانوں پر, مسلمان مسلمانوں کو مارے گا. کیوں مارے گا؟ یہ سمجھ کے کہ یہ کافر ہو چکا ہے. کہ کیوں سمجھائیے ایسے؟ کیونکہ اس نے آیت پڑھی. ہاں آیت پڑھی, ہاں آیت پڑھی, لیکن فہم اس کے پاس غلط تھا, تفسیر اس نے غلط تھی, حدیث اس نے پڑھی لیکن فہم اس کا. خوارج دیکھیے کتنے خون بہائے, خوارج کی وجہ سے یہ تکفیری جو منہج ہوتا ہے, یہ تکفیری جو عقیدہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے کتنا مسلمانوں کو مسلمانوں کی وجہ سے نقصان ہوا ہے, مسلمانوں کو مسلمانوں کی وجہ سے نقصان ہوا ہے. اللہ, لیکن اگر ہم کتاب و سنت, اللہ حفاظت کرے, اگر ہم کتاب و سنت کو فہم صالحین, سلف صالحین کے فہم پر سمجھتے تو پھر کہتے کہ نہیں یہ مسلمان مسلمان ہے. کیا قرآن و حدیث میں نہیں بتایا گیا کہ انسان چوری کرنے سے کافر ہوتا ہے؟ انسان جو ہے شراب پی لے تو اسلام سے نکل جاتا ہے, کافر ہو جاتا ہے وہ, انسان جھوٹ بولے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اچھا کہاں سے سمجھے؟ یہ عقل کی سمجھ, یہ انحراف المنہج ہے, منہج کا انحراف ہے, انحراف الفہم ہے, فہم کا انحراف ہے. یہ ایسی خطرناک چیز ہے جس سے جو ہے دنیا کا امن خراب ہوتا ہے, پھر خون کی ندیاں بہتی ہیں, پھر قتل و غارت گیری ہوتی ہے, دہشت گردی ہوتی ہے. یہ چند مسائل پھر آپ کی خدمت میں قرآن حدیث کی روشنی میں پیش کیے گئے. خلاصہ کلام کیا ہے؟ امن ایک عظیم نعمت ہے, اس نعمت کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے. وسائل جو کتاب و سنت سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں ان وسائل پر عمل کرنا چاہیے, اور ان وسائل پر عمل کرنا چاہیے, ان اسباب کو اپنانا چاہیے, اور اللہ سے نعمت مانگنی چاہیے, اور نعمت مل جائے تو اس کی حفاظت کرنی ضروری ہے, اور اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے, اور اس نعمت کو باقی رکھنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے, باقی رکھنا چاہیے تاکہ نعمت باقی رہے. جب نعمت میں رہیں گے امن و امان کی زندگی رہے گی, سب کی جانیں میں عقیدہ محفوظ ہے شرک و بدعات سے, خرافات سے, ٹھیک ہے, اعمال محفوظ ہیں بدعات سے, عقیدہ محفوظ ہے شرک سے, اعمال محفوظ ہیں بدعات اور خرافات سے, اور جسم محفوظ ہے بیماریوں سے, گھر محفوظ ہے خراب ہونے سے, جب سب, تو پھر انسان نماز, روزہ, ذکر, عبادات, انفرادی عبادتیں, اجتماعی عبادتیں, جیسے ہوتی جیسے جمعہ کی نماز یا عام نمازیں ہوتی ہیں, سنت نمازیں, انفرادی نماز, انفرادی عبادت, اجتماعی عبادت کو بخوبی احسن طریقے سے اطمینان سے انجام دے سکتا ہے. رمضان آئے گا, روزے رکھیں گے لوگ, حج آئے گا, سب مل کر آرام سے جا کے لوگ اللہ کی عبادت اجتماعی طور پر حج کریں گے, آزاں ہوگی, مسجد جائیں گے, آرام سے لوگ جماعت کے ساتھ پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے, یہ امن کا فائدہ ہوتا ہے, ہر ایک کو اس کا ہوتا ہے. بچے کھیلنے جائیں گے, بچے کھیلیں گے آرام سے میدانوں میں,
शहर के बस्ती के इलाके के बच्चों को, बच्चों के घर वालों को जो घरों में बैठे हुए, कोई खौफ नहीं रहेगा। आदमी कमाई के लिए रिस्क हलाल की तलाश में निकलेगा, अपनी बीवी के लुटने का या इज्जतों के बर्बाद होने का डर और खौफ नहीं रहेगा। सब एक सुकून की बिना की जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला इस चीज को हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मौजू को समझने वाला हम सबको बनाए। अल्लाह ताला हमें असबाब पर अमल करने वाला बनाए। अल्लाह ताला अमन जैसी अजीम नेमत को बाकी रखे। अल्लाह ताला हम सबको इस नेमत की कदर करने वाला बना दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही व बरकातहू। ईद के दिन जो दर्स होता है, हदीस शरीफ का दर्स, पिछले दो या तीन पीरों से ऑफिशियल एक्टिविटीज़ की वजह से नहीं हो पा रहा है, तो इस पीर भी जो है ऑफिशियल एक्टिविटीज़ से हमारी जिसकी वजह से जो है वो दर्स नहीं हो रहा है, तो हमने मुनासिब समझा बजाय ये कि पीर के दिन वो दर्स हो, चार शुबा बुध के दिन वेनेसडे इंशाल्लाह ईशा की नमाज के बाद, क्योंकि उस दिन रात में वो मसरूफियत नहीं है, तो इंशाल्लाह जो है ये चंद दिनों के लिए, सिर्फ चंद हफ्तों के लिए, उसके बाद फिर पीर को दर्स वापस लौट जाएगा इंशाल्लाह। तो इस पीर का जो हदीस का हदीस शरीफ का दर्स होगा जो होता है वो चारशंबे के दिन यानी बुध के दिन, जिसको चारशंबा बुध कहा जाता है और वेनेसडे कहा जाता है, ईशा की नमाज के फौरी बाद हदीस शरीफ का जो मुस्लिम शरीफ का हदीस है उसका दर्स होगा। जज़ाकुल्लाह खैर। आपने भी सुना, दूसरों तक भी इस बात को पहुँचा दें। कफारत मजलिस पढ़ लें। सुभानकल्लाहुम्मा बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।